जी नमस्कार, कामरी रसोई आपकी अपनी रसोई, इसके अंदर आपकी सेहत का खजाना छुपा है। उसके लिए मैं सुभाष गोयल आपकी सेवा में हमेशा रहता हूँ। और एक चीज नोट करिए, उसके अंदर एक हरड़, बहेड़ा और आमला, हरड़, बहेड़ा और आमला, ये तीन जो चीजें हैं ये हमारे शरीर का वात, पित्त और कफ तीनों दोष कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन तब जब ये तीनों मिल जाएं, और मिले कैसे, इनकी मात्रा सही से डल जाए, आमला गुठली निकाल के, बहेड़ा गुठली निकाल के, हरड़ गुठली निकाल के, इन तीनों का छिलका लेना, किस मात्रा में लेना नोट करिएगा, हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आमला 400 ग्राम। आयुर्वेद के अंदर इसको लिखा है, आमला, हरड़ बहेड़ा और आमला तीनों फल त्रिफला, और ये मात्रा 1:4, 1%, 2% और 4%, ये इस तरीके से अगर इसको आप बनाते हैं, आप बना करके रोजाना शाम को 5 बजे मुंह में रखकर पानी पी लेते हैं, तो आप यकीन जानिए जल्दी से आपके बाल खराब नहीं होंगे, आपकी स्किन खराब नहीं होगी, आपके पेट का पाचन क्रिया जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हर वक्त जो भी हम खाते हैं तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, खट्टे डकार एसिडिटी खत्म हो गई है, और आपका जो मेन प्रॉब्लम कब्ज का है वो खत्म हो गया है। क्योंकि हम त्रिफला पाउडर को लेते हैं मजाक में, लेते हैं मजाक में नहीं लेना इसको, जैसे मैंने बताया 1:4 इस फार्मुलेशन में लेना है, और ये ऐसा रसायन है कि वात पित्त कफ दोष को कंट्रोल करता है। इवन टू आप मानिए कि जो सोराइसिस के पेशेंट है, स्किन की प्रॉब्लम है, सोराइसिस के पेशेंट है, जोड़ों के दर्द के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, ये सबके लिए रामबाण है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये कमाल का रिजल्ट करता है। 1:4 जो त्रिफला पाउडर है, आप इसको घर पे बनाइए, शाम को 5 बजे के करीब आप इसको मुंह में रखिए, एक घूंट पानी से पी लीजिए, और इसके साथ आप जितना पानी पी सकते हैं आप पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी थोड़ा गुनगुना हो, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं लेना, पानी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेना है। त्रिफला चूर्ण 1:4 का रेशियो में बना हुआ, अगर आप प्रॉपर तरीके से खा लेते हो तो आप जरूर एक ना एक दिन दिल से सुभाष गोयल को सल्यूट करोगे, और मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों में बताओगे, क्योंकि ये एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक ये फार्मुलेशन बिल्कुल विदाउट एनी साइड इफेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात जरूर नोट करके रखिएगा, त्रिफला पाउडर इसका एक सिद्धांत है कि इसको 20 दिन खाएं, 5-6 दिन छोड़ दें, फिर 20 दिन खाएं, 5-6 दिन छोड़ दें, 15 दिन खाएं, 5-6 दिन छोड़ दें, इसको गैप दे दे करके खाना, पूरी जिंदगी खाइए और अपने पूरे जीवन का लुत्फ उठाइए। कभी भी आपके घर में ऐसा कोई चांस नहीं होगा कि आपको कोई अटैक आ गया, या कोई एम्बुलेंस आपको लेने आ गई, ऐसा कोई हार्ट अटैक या कोई ब्रेन स्ट्रोक या कोई और तरह का बॉडी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो त्रिफला पाउडर 1:4 इसको अपना दोस्त बनाइए, और इसको दोस्त बनाने में आपको 5-6 दिन लगेंगे, धीरे धीरे ये बॉडी में सेट हो जाता है, उसके बाद आप इसको तुरंत जैसे भी किसी भी बीमारी के अंदर लेंगे तुरंत फायदा देगा। त्रिफला पाउडर 1:4, इसके ऊपर मैंने बार बार दिया है पूरा जोर, क्यों दिया है, ताकि आप इस बात को समझ सको कि ये अलग चीज है, त्रिफला वो नहीं है जो दुनिया में आम मिलता है, ये खास त्रिफला पाउडर है, खास आपके लिए, घर पे बनाइए, अपने दोस्तों को बताइए, फार्मूला सभी घर पे बनाएंगे और अपनी सेहत को ठीक करेंगे और मेरा नाम लेंगे तो और बढ़िया होगा, मेरे को खुशी होगी अगर आप मेरा ये वीडियो शेयर करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे लाइक करेंगे, और इसका बेल आइकॉन जो है थोड़ा सा जोर से दबाएंगे ताकि मेरे तक जरूर पहुँच जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे अब आगे जो भगवान है वो आपके साथ है, हमारे साथ है, और थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना कि जैसी नियत वैसी मुराद, आप अपनी नियत को ठीक रख के इस त्रिफला को बनाइए और सच्चे मन से खाएंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि त्रिफला चूर्ण जो है वो लोगों का दोस्त है, वात पित्त कफ तीन दोष को कंट्रोल करने वाला एक ही ऐसा रसायन है जिसके बारे में हमारे भाई साहब राजीव दीक्षित जी बहुत लोगों को
चर्चा करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।